यार शरबील भाई, जाने दे यार, बस बहुत देर हो गई। अफ्तारी बनानी है मुझे घर जाके। कुरैन तंग कर रही होगी। तो फुरैन को साथ लाती, तुम क्यों नहीं लाए मैं उसको? उसको साथ लेके क्या अफ्तारियां तुमने बांटनी छोड़ा होगा उसको फजीला के साथ, है ना? बिगाड़ दो उसको भी तुम। नहीं, वो मैर के पास बांध बहुत के आई गलत हूँ बात है उसको। यार, फजीला का मैसेज आया, बोले डीडी कहाँ है, क्या बोलूं? मुझे जाने दे उसको, मैं बात कर लूंगी घर जाके। आप छोड़ दें। बैठो ना यार, छोटा सा इंटरव्यू दे दो। मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया है, वो तुम्हें पता ही नहीं है बेटा। तो ये बात करें ना कि YouTube स्टार्ट की है। तुम्हें पता नहीं है YouTube? तो चलो भाड़ में गया मेरा भाई, जो बुराइयां करके गई है किरत और महत। ओए होए होए होए, किरत भाभी क्या किरत भाभी महत भाई, बुराई ऐसी करके ऐसी बातें बताइए तुम्हारे और मदिया के बारे मान में। ही नहीं सकती। तुमने एपिसोड नहीं देखा इसका मतलब? नहीं नहीं देखा ना? नहीं आज ही जाना हो एपिसोड देखने। मैं जो तुम्हारे बताएंगे। बारे में बात करूं वो हर बात बुराई में ले जाए कि ये तो ऐसे करती है, ये तो वैसे करती है। मैंने कहा मदिया, बोले वो कौन सा काम है, फिर तुम पे आ गए। अच्छा मदिया बताओ, मैंने किरत को दो ऑप्शन दिए, अगर तुम्हें मदिया या दरक्षा में बनने का कुछ मौका मिले तो तुम क्या बनोगे? करिए मदिया, मैंने किरत क्यों वो नहीं? मुझे पता है मदिया, क्यों मदिया से बनती ज्यादा है, क्योंकि मैं आप थोड़ा बिजी रहती हूँ। हुरैन की जिंदगी अपनी टेंशन ना, भी मदिया के पास भी आ जाएगा ना बेबी, तो फिर वो भी भाभी फिर बोलेगी दरक्षा। वो भी मसला सारा ये ना कि तो मैं महात भाई ब्रांड क्यों बोल रहे हैं बात? क्या। मैंने उनको बोला कि अगर आपको किसी को ज्यादा तरजीह देनी हो तो आप किसको देंगे, मदिया या उसको दरक्षा? बोले मैं मदिया। छोटी हूँ ना, जाहिर सी बात है, वो महाद और मदिया की शुरू से बनती है, मेरी नहीं बनती। लेकिन इतनी बुराई नहीं कर सकते वो ऐसे सबके सामने। भाई प्रोडक्शन की थी नहीं की थी मुझे बताओ। सर गाड़ी लेके चली जाती है, हमें हाँ कहीं जाना होता है गाड़ी लेके निकल जाती है। तो वो मेरी अम्मी की गाड़ी है, मेरी मर्जी, ऐसी की तैसी मार जाएगी। मैं यार अब्बू को बताऊंगी। तुम एपिसोड देखना घर जाके, और तुम मुझे फिर कॉल में बताना कि मैं झूठा था या सच्चा था। सीधी सी बात है भाई, बुराइयां तो क्या की बुराई की है वो। ऐसी और आप घर, मैं अभी जैसे जैसे सेगमेंट आएंगे ना बताऊंगा कौन से सेगमेंट में क्या बोला था, ठीक है? अब हाँ। मेरा छोटा सा इंटरव्यू दो, इसमें ही सारी चीजें छुपी हुई हैं जो वो करके गया हरकते, ठीक सही है, है? बताएं देखो जल्दी जल्दी पहला जल्दी। सेगमेंट हमारा सुनाओ। उस पर तो कोई बुराई नहीं है, वो इतना अच्छा हमारा सेगमेंट है, उसमें आपका तो नाच सुनानी होती है या मनकबत, तो आती है आपको? क्या आती है? नाच या नाच। मनकबत सुना लीजिए। चले आज सब रक्षा का नाच करते सुनेंगे, अच्छी बात। ये प्लेटर रखे लाओ दो। लेकिन यार जो बुराइयां की है ना, खैर चलो मात भाई। नाथ कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी में ये सब तुम्हारा करम है आपा, के बात अब तक बनी हुई है, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, कोई सलीका है आरज़ू का। कोई माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बस सुभान अल्लाह। वाकला इतनी अच्छी आवाज है, मुझे आज पता लगा मदिया तुम्हारी कोई आवाज नहीं है जो इसकी है। मैं नात पढ़ लेती हूँ, बस वो कान अभी बंद है तो मुझे समझ नहीं आया कि अच्छी पढ़ी है, मेरी नात कैसी पड़ी है। वह अच्छी पढ़ी है यार, भाई माशाल्लाह, अल्लाह पाक नसीब अच्छा करे तुम्हारे मस्जिद। हाँ। और अब हमारा जो अगला सेगमेंट है ना, उसका नाम है काउंटिंग। काउंटिंग। आती है हाँ। वो, तुम्हारी एक बहन तो डॉक्टर है, तुम क्या हो? मैं पेशेंट? पेशेंट नहीं, मेरी इंटर में, इंटर से पहले तो मेरी शादी हुई है, इंटर मैंने शादी के बाद किया है, हुरैन होने वाली थी तो इंटर किया मैंने।
तो अब बीए में एडमिशन लिया प्राइवेट, अब लिया है, अब लिया है, अब लिया है, तो अभी फिर माशाल्लाह ये तालीम के हिसाब से बच्चे इनके वहां हो रहे हैं माशाल्लाह से ये ज्यादा तालीम हासिल कर ली इसने तो पाकिस्तान में इसी के बच्चे होंगे खाली खैर काउंटिंग है, देखो इसमें आपको 1, 2, 3, 4 करके करना है, लेकिन एक सांस में 100 तक जाना है। अगर तुम 50 पर रुके, 50 के अंदर रुकी, तो तुम्हें अपना कोई ऐसा सच बताना है जो सिर्फ तुम्हारे घर वालों को पता है, हमें नहीं पता। अगर तुम 50 क्रॉस कर गए 50, तो अपनी किसी ऐसी दोस्त को नसीहत करनी है। ये ऐसी दोस्त जो बोले ना, मेरी दोस्त एक ही है, ऐसी दोस्त को नसीहत करनी है जिसके लिए नसीहत बनती है। तो चले स्टार्ट करते हैं 100 तक गिनती। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 38,
बारे में कोई ऐसा सच बताना है जो किसी को नहीं पता, सिर्फ आपके घर वालों को पता। सच बताना है। किरत ने बड़ा सच बताया था। क्या मैं क्या सच बताऊँ, मेरा क्या सच है? कोई सच ही नहीं, तुम झूठी औरत हो। नहीं, ऐसा कौन सा है जो घर वालों को ना बताओ? घर वालों को पता है, हमें नहीं पता। घर वालों को पता है, आप लोग को नहीं पता कि मेरी शादी जो है ना, अम्मी ने जो शादी कराई है जबरदस्ती करवाई थी। इतना अच्छा तो शोहर है। शोहर तो अच्छा मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी शादी जबरदस्ती हुई है, कोई लव मैरिज नहीं है, ना अरेंज है, मतलब आई मीन अरेंज लव मैरिज। ताड़ू की शादी है, ताड़ू। लोग समझ, ना लव है ना अरेंज, ताड़ू है। लोग समझते हैं मेरी लव मैरिज जो है वो लव मैरिज हुई है, तो लव मैरिज नहीं। बहुत अच्छा मिल गया तुम्हारी अम्मी के, कोई अच्छा मालते तुम्हारे को भाई नहीं पता मुझे। तो मैं कहती हूँ की वो अम्मी की वजह से वाकई और ढूंढा भी अम्मी। अच्छा फैसला था, जल्दी शादी कर दी। बिल्कुल, वरना आजकल की लड़कियों को देख रही हो तुम्हारे साथ होती हैं, शादी जल्दी हो जानी चाहिए। अच्छा, जब नसीब होता तब हो जाती है। चलो मैं उसके नसीब अच्छे करूंगा तुम्हारी दोस्तों के। मुझे नंबर, ये नसीब अच्छे करेंगे। सबके नंबर देने में बड़ी वैरायटी आई हुई है लड़कों की। अच्छा, तो आप लड़के दिखाएंगे? अच्छे लड़के हैं, खानदानी है, अपना कमाते हैं, अपना घर है। तो मेरा भी ऐसी था, रिश्ते वाली एक आंटी थी जो अम्मी की मतलब जानने वाली थी, उनको दिया हुआ था, तो उन्होंने ऐसी हुमैर दिखा दी। किस उम्र में शादी हुई थी तुम्हारी? 17। वो बहुत जल्दी कर दिया। 17 में निकाह हुआ था, 18 में शादी। अभी क्या है जे? अभी मैं 23 साल की। कितने साल हो गए शादी को? उसका मतलब 5 साल। 5 साल भाई, माशाल्लाह यार। तुम मदिया से छोटी हो ना? मदिया से 3 साल छोटी हूँ मैं। और लोग सब पता ही झूठा समझते हैं इस बात को। लोग झूठे हैं, लोग कहते हैं मैं बड़ी हूँ। नहीं, तुम बहुत छोटी हो, मेरी नजर में तुम छोटी हो। 17 साल की उम्र में शादी यार? 17 में निकाह। उनकी क्या उम्र है तुम्हारे जो शोहर है? उनकी एज है 30+, 32-33 ऐसी है। 10 साल का डिफरेंस हमारा है। 10 साल का डिफरेंस है। तो तुम्हें चीज दिलाने ले आते थे या तुम्हें घुमाने ले आते थे? वो मुझे चीजें घर पे लेके आते थे और बाहर वैसे घुमाने ले जाते थे। ये सही है, इसको शोहर का प्यार भी मिला, बाप का प्यार भी मिला। बाप का प्यार क्यों मिला? फिलहाल में बड़ी मुश्किल से मिलता है। आजकल के सारे हस्बैंड देख ले, किरत मातु देख ले, सारे लड़के तो बहन भाई लगते हैं मुझे, मैंने उनको बोला। सारे लड़के ये कर रहे होते हैं, लड़कियों को पापड़ और चिप्स खाने की आदत होती है भाई, हमें चॉकलेट वगैरह जरूरत है हमारी। और तुम सोशल मीडिया पे बर्गर बन रही होती हो, केएफसी में बैठी हूँ मैं, पापड़ खा रही हूँ। मैं स्टोरियां डालती हूँ कि मैं पापड़ की तुमने डाली, लोकल चीजें भी डालती हूँ। लोकल चीजें डालती है, देखा करो भाई, लोकल चीजें डालती हूँ मैं, देखने आते हैं। मुझे लोकल देखने का बहुत शौक है। मैं वो वाड़े होते हैं ना, 5 रुपए वाले, 10 रुपए वाले, जी बैस, ये सब खाती हूँ। एबीसी जेली है ना, चिल्ली मिल्ली, सब खाती हूँ। चलो अच्छी बात है, सब खा लेती है, बकरी है कुछ तो खा लेती है। खैर, ये तुम्हारा सच है कि तुम कुछ भी खा लेती हो, तुम्हारी शादी जल्दी हो गई, तुम्हारा सच है, ठीक है। अब हम अगला सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, इसका नाम है काश। क्या काश तुम क्या नहीं होती? दरक्षा नहीं होती। तो तुम क्या होती? दो ऑप्शन दूंगा और जो ऑप्शन सिलेक्ट करोगे उसका कोई 5 पॉइंट बताने। किरत को मैंने जब मैंने बोला ना कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, दरक्षा या मदिया, उसने बोला मदिया। मैंने कहा दरक्षा क्यों नहीं? बोले कोई ऐसी खास बात नहीं है। उसने कहा, मैंने नहीं कहा, देख लेना एपिसोड, ठीक है। ऐसा तो नहीं बोला, खास बात नहीं, आप शॉर्टकट बता रहे हैं। मैंने शॉर्टकट बताया, लेकिन उसका मकसद यही था भाई। आप शॉर्टकट, मैंने कहा जब उसको कहा ना कोई 5 पॉइंट बताने हैं, तेरे उसमें तो पॉइंट ही नहीं है उधर। अच्छा, यानी उसके बाद बातें नहीं है तुम्हारे लिए करने के लिए, ठीक है।
तो भाभी नेक्स्ट शो आपने शर्मिल भाई का नहीं करना। आपने तो आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, एक है फजीला कलियार और दूसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूँ मदिया। ऑब्वियसली मदिया, फजीला नहीं। नहीं क्यों? फजीला क्या कमी हमारी लड़की, क्योंकि मदिया को मैं शुरू से जो है ना उससे बहुत ज्यादा मतलब मुझे उसकी ये पहला पॉइंट बता रही हैं आप, चलें पहला पॉइंट है उसकी मतलब उसकी एक सोच इतनी अच्छी है माशाल्लाह। फजीला तुम्हारी सोच ही घटिया है, ये औरत कह रही है मदिया की सोच बहुत अच्छी है और फजीला की सोच अच्छी नहीं है। घटिया नहीं है, फजीला को पता है बहुत बुरा सोचती है, फजीला के पास सोचने के लिए दिमाग नहीं है, ये इसकी एक दोस्त ने खुद कहा है। ठीक है ठीक है फजीला, अब मैं बोलूं फजीला अभी देख रही है, मैं फजीला में तुम्हें टीवी के आर पार देख सकता हूँ, बहुत ही तुमने बेवकूफ दोस्त बनाई है। दूसरा पॉइंट, तो मैं बचपन से मदिहा को देखती आ रही हूँ, तो मुझे उसके अंदर ये नेचर शुरू से, मैं मदिहा बनना चाहती हूँ, मदिहा जैसे कपड़े। रुको ये रुक जाओ, फजीला तुम्हें कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है, तुम्हें कपड़े पहनना नहीं आते, तुम तीन रंग के कपड़े पहनती हो, सलवार कोई होती है, कमीज कोई, दुपट्टा कोई, ऐसा ही है। मैं कह रहा मैं फजीला तुम्हें आर पार दे सकता हूँ टीवी का, अगर तुम सुन रही हो तो भले मुझे लानत दे देना लेकिन ये बात तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। फजीला तीसरा पॉइंट ये है कि मदिया प्यारी बहुत है। तो फजीला फेशियल करो, अच्छी क्रीम यूज करो, नमाज पढ़ो तो कुदरती नूर आ जाएगा, ऐसा ये कह रही है। मैं नहीं कह रहा, फजीला का तो मुझे देख रही हो आर पार टीवी के, तो मैं मात्रा चाहता हूँ उसकी तरफ से। चौथा पॉइंट वाह मदिया, कि वो मेरी बहन है। फजीला जो तुम कह रही थी मेरे शो में आके कि हम लोग बहनों की तरह रहते हैं, दरअसल मुझे अपना बहन मानती है तो नहीं मानती। अब तुम कैसे, तुम्हें मैं साबित करूं तुम यहाँ होती तो मैं वाकई तुम लोग कुश्ती करा देता, लेकिन अगर मैं तुम्हें आर पार देख रही हूँ तुम टीवी के और मुझे देख के मुस्कुरा रही हो तो यही आग, यही आग आपने फजीला और ना हमाद के बीच में लगाई है। अब यही आग आप मेरे और फजीला के बीच नहीं लगा सकते। हमाद भी सहेली है उसकी, अब मैं क्या बोलूं। खैर पांचवा पॉइंट ये के क्या कमी है मदिया में, मदिया में कमी नहीं है, फजीला में कमी है, ये बात साबित हो गई हमारे शो में। पांचवा पॉइंट यही है कि फजीला में बहुत कमियां हैं, मदिया में कोई कमी नहीं है, इसलिए आप मदिया बनना चाहती हैं, फजीला को आपने कहा भाड़ में। फजीला अगर आप मुझे टीवी पे देख रहे हैं इस टाइम तो मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि मदिया को मैं बचपन से जानती हूँ, फजीला को मुझे 2 साल, मदिया के घर तुम पैदा हुई हो विदाउट परमिशन, तुमने कोई खत भी नहीं लिखा कि मैं हो रही हूँ, होने से पहले बंदा बता देता, दस्तक दे देता भाई मैं आ रही हूँ दुनिया में, तुमने कुछ नहीं कहा, तुमने कहा आप बता रहे, एक मिनट आप बताकर आए थे जी, मैं तो हो ही नहीं रहा था भाई, तो मैं भी नहीं हो रही थी, जबरदस्ती हो गई, वही होना था मुझे। हो गई ना, हाँ। किसी को नहीं पता था ना, उन्होंने एक्सेप्ट किया ना तुम्हें, फेंका तो नहीं ना यार। तो फिर तुम कैसे गलत कह सकती हो यार, किस तरह की बेइज्जती है यार। खैर भाई किरत मां सही थे, अब समझ आ रही मुझे किरत तुम्हारी बातें, ये किसी की नहीं है यार, ये अपनी दोस्त की। पहले ही मुझे बता चुकी है दरक्षा, अगर शराबिल ने तुम्हें किसी दिन पकड़ा तो तुम्हें ना बहुत शराबिल क्यों पकड़ेगा आपको, दरक्षा को दरक्षा मैरिड है, 2 बच्चे की माँ है, शराबिल नहीं पकड़ सकता। मतलब वो पकड़ेगा, मतलब तुम्हें अपने शो के लिए पकड़ेगा और तुम्हें उल्टी सीधी बातें बताएगा हमारे बारे में। मैं आपको वीडियो लिंक भेजूंगा इनके अपने एपिसोड का, देख लूंगी, आप भी आपको देखना भाई, लगी हुई है नंदो भाभियों में, वो कह रही थी नंद स्पेशली गंद, ऐसा सुना था। कोई नहीं उसकी बातों से लगा कोई नहीं। खैर हमारा सेगमेंट यहाँ खत्म हो गया, ठीक है, अब हम एक सेगमेंट कर रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर, बोलते हैं लोग, हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं फौरन। जो आए मुंह में बोल दो, ठीक है, तो तुम तैयार हो दरक्षा? अच्छा तुम्हें डीडी किसने नाम रखा यार, तो सब क्यों पूछते हैं, मेरा नाम दिल भी है, दिलावेज भी है, दरक्षा घर वाले दरक्षा भी है, दिलावेज मेरी ना सर में मेरे ननियाल वाले क्यों रखना चाहते थे, और ददियाल वाले दिलावेज, दिलावेज और दरक्षा ददियाल वालों ने रखा है। डीडी तुम्हें सबसे ज्यादा कौन, इसलिए शॉर्टकट डीडी हो गया मेरा, तो दरक्षा और दोनों का मिला के डीडी है। चलो तुमने ननियाल वालों की भी रखी, ददियाल वालों की भी रखी है, ऐसा ही है दीदी। चलो तुम तैयार हो रैपिड के लिए? चलो अब मैं तुमसे सवाल करूँ, तुम्हें फौरन फौरन जवाब देना। फजीलों का पहली मोहब्बत कब हुई थी, आप उसके दोस्त सच बताएं। फजीलों को पहली मोहब्बत मुझसे पहले हुई भी थी, बचपन से वो मतलब मैं नहीं थी उस वक्त, मैंने उसको स्टॉक करती थी, उस वक्त मैं फजीला को देखती थी इंस्टाग्राम पे और चाहती थी कि मेरी दोस्त बन जाए। फजीला बचपन से फेमस थी भाई, फजीला से फिर मेरी दोस्ती हो गई। चलो डॉक्टर मदिया की फेवरेट डिश कौन सी है, देखते तुम अपनी बहन को कितना जानती हो। स्टेक, पास्ता, पास्ता खाती हूँ शौक से। क्या किरत ने कभी आपसे उधार पैसा मांगे? हाँ मैंने भी मांगे, उन्होंने भी मांगे,
मतलब ऐसा होता है हमारा उधार सुबह लिया रात दे दिया अर्जेंट। महात, दरक्षा, मदिया, इन तीनों में तो सबसे ज्यादा अर्निंग किसकी है यूट्यूब से? ऑब्वियसली मदिया। मदिया की है। एमजे हसन को आपके घर वालों ने एक्सेप्ट एक दफा में कर लिया था या टाइम लगा था? एक दफा में। क्यों? क्योंकि एमजे भाई मेरे फेवरेट थे पहले से। मैं पीछे और अम्मी चाहती थी मदिया की शादी हो जाए, मदिया कहती थी मुझे शादी नहीं करनी। और तुमने बोला था मेरी करा दो? नहीं, मैंने कहा था मदिया कर ले, अब कर ले। मदिया कहीं तो सेटिंग कर ले, मदिया को कोई समझ ही नहीं आता था। इन शॉर्ट, छोटी बहन ने बड़ी बहन को छिछोरपन सिखाया है। भाई मेरा निकाह हो चुका था तो जाहिर सी बात है मैंने मदिया को बोला कि अब तुम भी कर लो, क्योंकि वो शादी करने के लिए राजी नहीं होती थी, कहती थी मुझे पढ़ना है। पढ़ा तो उसने बहुत है माशाल्लाह, तो पढ़ लिख के भाई टिकटॉक वीडियो बना रही है वो। उनकी डिग्री किसी काम की नहीं है। किसकी काम की नहीं है, सबर करें, अभी न्यू आगे निकलेगी वो। अच्छा चलो इंशाल्लाह। मदिया ने किस चीज में महारत हासिल की हुई है? महारत किसे कहते हैं? वो उर्दू, उर्दू का वर्ड। सबसे अच्छा काम वो कैसे, कौन सा करती है, ऐसा क्या काम है जो मदिया कर सकती है कोई नहीं कर सकता? मदिया कर सकती है कोई नहीं कर सकता, अब ऐसा तो कोई काम नहीं है ना कि कोई इंसान है। मैं बता सकता हूँ, साबित कर सकता हूँ, मदिया ऐसा को गले लगा सकती है। अच्छा, ये बहुत दूर की सोच है। आप बहुत दूर की सोच। दरक्षा की फेवरेट डिश? मेरी फेवरेट डिश, मैं पता नहीं। दरक्षा को वेस्टर्न पसंद है या वेस्टर्न कपड़े? मुझे वेस्टर्न पसंद है। वेस्टर्न पसंद है। दरक्षा के ससुराल वाले क्या दरक्षा को सोशल मीडिया पे देखना पसंद करते हैं कि नहीं? दस, दस, दस। बिल्कुल नहीं करते। फिर भी तुम कर रही हो? क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोई एतराज नहीं है। अच्छा भाई। दरक्षा के हस्बैंड क्या करते हैं, क्या काम है उनका? मेरे हस्बैंड का कंस्ट्रक्शन का काम है। महाद भी यही करता है? महाद आर्किटेक्ट है, मतलब हस्बैंड का कंस्ट्रक्शन से ही रिलेटेड है और मार्बल्स की तरफ भी है थोड़ा। वो पठान है? हस्बैंड मेरे यूसुफ जई पठान है, लेकिन रियल पठान लगता है वो। तो ये हमारा सेगमेंट ये खत्म हो चुका है, लेकिन जो किरद ने की है ना तुम्हारी, यार आप बस, अब बस गलत कसम से, मैंने हमारी कभी ना नंद भाभी वाली बात, आप देख लेना, मैंने हर सेगमेंट में दो ऑप्शन दिए, मदिया तो मैं देख लूंगी, आप बस बात तो भाई देख लेना। मेरा क्या, तुम लोग में तुम चल रहे हो, तुम लोग फसादन हो, क्या करें अब। खैर फसादी आप लग रहे फिलहाल। हमारा अगला सेगमेंट है देखो, क्या देखो, देखो मैं कुछ चीजें भेज रहा हूँ। किसको देख रहा हूँ? आपको भेज रहा हूँ दीदी, ठीक है, मैं तस्वीरें भेजूंगा, आपने बताना। फजीला ने तो सारे बताए भाई माशाल्लाह से, सारे इंग्लिश नाम भी बताए, सारे सेलिब्रिटीज को जो जो भेजा बोले मुझे आता हो बता गई, वो बहुत इंटेलिजेंट है वो यार, वो अल्लाह पाक आसान इतना इंटेलिजेंट आपको भी रख के। चलो आसान है यार दीदी, क्या हो गया, क्यों घबरा रही हो? वगैरह के नाम नहीं पता होते और मुझे, मैं पॉलिटिशियन नहीं भेज रहा, एक्टर्स वगैरह के भी नाम नहीं पता होते मुझे। चलो बताओ उसका नाम क्या है, सेलिब्रिटी है। कहाँ भेजा? जवेरी अब्बासी। अब्बासी शॉर्ट चेंज कर दिया। मुझे नहीं पता जवेरी है तो बता। अब्बासी तो दूसरी है। ये कौन है? ये जवेरी है, इसके हस्बैंड का नाम वो है, वो बड़ा अजीब नाम रखा है वो, यार नहीं नाम याद नहीं। जवेरिया बता दिया ना, आगे भी बताओ, शोर बताओ, किसको क्लियर करो, वरना तुमने अब्बासी बोल के ना अंकल का नाम घर बिगाड़ दिया। उसने अंकल का नाम, अंकल नहीं है वो, फिल्म स्टार है। क्या नाम? नाम नहीं पता। सऊद। सऊद ये कुछ ना कुछ कर जाएगी, ये किसी का भी घर पर बात कर सकती है, ऐसी औरत है ये अब्बासी। अच्छा बताओ ये कौन है? इनको नहीं जानती, मतलब जानती हूँ नाम नहीं पता। वो सुना है ये वतन हमारा है तुम वो खामा खा इसमें। इन्हीं ने इनको, ये बताओ कौन है? नाम नहीं याद। नहीं करो देखो बहुत बेइज्जती होगी। तो नाम नहीं याद। मेहदी हसन। मेहदी हसन। चलो अब जो पूछ रहा हूँ वो बता देना, एक का तुमने शोर चेंज कर दिया, एक का नाम नहीं पता, चलो ये बताओ ये कौन है? नहीं जानती। वो सुना है पतंगबाज सजना से? पतंगबाज सजना नहीं, वो बचपन में ना वो अंताक्षरी खेलते हुए गाया है बस। सिंगर कभी नहीं तुम्हारी वो, कि मैं इसको जानने की कोशिश करूं? नहीं मैं इतनी पागल नहीं। अच्छा पागल लोग जानते हैं। मतलब मैं इतनी साइको नहीं हूँ, मैं क्यों घुसूँ की बिला वजह की लिस्ट में उसकी, क्या कहते हैं, हाँ मदिया में घुस गई तुम। क्योंकि मदिया मेरी बहन है। मदिया में घुस गई कल ले, इससे अच्छा नहीं मिलेगा कल ले। तो मदिया मेरी बहन है, इसको ही बहन समझो। खैर मुझे नहीं पता। परिया परवेश। हाँ होगी कोई। बेइज्जती कर रही है यार, बेइज्जती कर रही है यार,
इतने बड़े बड़े लोगों की बदत कर रही है। ओए होए 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 हसनिया ने फिर आज अपनी तस्वीर भेज ली, अच्छी है वाली आपकी तस्वीर। बताओ ये कौन है? ये कौन है? तुम्हारे अब्बू के दोस्त है, तुम्हें नहीं पता ये कौन है? कभी नहीं देखा? डाइनिंग रूम में बैठे वो दिन चाय पी रहे थे। नहीं मैं नहीं जानती। ये आते हैं तुम्हारे वहाँ भाई, क्या हो गया? बिला वजह आते हैं। नहीं मैं नहीं जानती। कभी नहीं गजल कभी तुम लोग इतने कवाली इवेंट में जाते हो, गजल नाइट में आते हो? ये गुलाम अली लेजेंड है, लिविंग लेजेंड है। चलो तुम पढ़ी लिखी हो माशाल्लाह से। शलजम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शलजम को वो कहते हैं। नहीं याद आ रहा। दीदी तुम नाक कटवा दोगी, तुम कसम से पढ़ी लिखी फैमिली से। शलजम को मदिहा को भी नहीं पता होगा। मदिहा आपको पता है? शलजम ऑडियंस देख रहे हैं क्या कहते हैं शलजम? आप तो देख रहे हैं, हमें पास है पता है, हैं? क्या कहते हैं? ट्राइनिप। आर यू सीरियस? ट्राइनिप टर्निप कहते हैं भाई। ठीक है ऑडियंस ने बता दिया। अच्छा चलो ये बताओ टिंडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिंडे 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 ग्रीन कलर के होते हैं। जी जी पकाने आते हैं। कुकिंग करती हो वैसे? पकाना आता है। टिंडे को इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं। ऐसा उनको इतना फखर था अपनी साली पे। नहीं पता मेरी साली इतनी पढ़ी लिखी है, अफसोस। टिंडे मुझे भी नहीं पता। रेडिश किसे कहते हैं? मूली। रेडिश मूली को कहते हैं पक्का? मुझे वो भी नहीं पता। टिंडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं ऑडियंस? आप बता दे। मुझे भी नहीं पता। गंजे को टिंडा। गंजे भाई हम टिंडे की जानने जाते हैं कि स्टोरी के क्या है। टिंडे की इंग्लिश हम निकाल के हम नीचे लिख देंगे टिंडे को क्या कहते हैं। आप ये बताएं मुझे कि दीदी मैंने हसाने का काम छोड़ दिया, आपको पता लगा होगा मैं ये काम बांट रहा हूँ। आपने हंसाने का काम छोड़ दिया? सीरियस? जी अब मैं बांट रहा हूँ ये काम। अब ये काम आज से आप करेंगी। फजीला बहुत अच्छा लतीफा सुना रही थी, आपको उसकी इज्जत रखनी है। मुझे लतीफे नहीं आते। आप गूगल कर सकती हैं, आपके पास लाइफ लाइन सिर्फ गूगल है। लेकिन आप जो लतीफा सुनाएंगी वो लतीफा फिर आपका हो जाएगा, वो लतीफा फिर तरक्षा की वजह से याद करेंगे लोग। अब ऐसा भी कोई लतीफा नहीं सुनाने वाली मैं। चले कोई लतीफा हो जाए जिस पर आपको हंसी आए वही सुनाएगा, उस पर मैं आपको तोहफा दूंगा। हमारे पास तोहफा है। अब रमजान का शो है। कोई गंदा लतीफा निकाला इसने, कोई गंदा लतीफा निकाला, मुझे पता लग गया इसकी हरकतों से ये नई बात आएगी यार। सुना देती हूँ। बच्चे भी सुनेंगे, अगर उनका रोजा खुल गया असर में तो तुम जिम्मेदार हो। हंसी इस पे आ रही है क्या करूं? गंदा। अब मैं कान में तो सुनने से रहा। ये गंदा हुआ ना बहुत मारेंगे लोग, रमजान का शो है। फिर अब ये वाला सुना देती हूँ, बच्चा अपने दादी से। ये आप ये आपका है फिर ये याद रखेगा, इस पर हंसी आनी चाहिए। मतलब ये लतीफा आपका है, आपका इमेज खराब होगा अगर हंसी नहीं आई इस पर। और उस पर भी इमेज खराब होगा, इस पे इमेज खराब होगा। बंदे को इमेज की बात है। अच्छा भाई अब जो दरक्षा लतीफा सुना रही है ये डेडिकेट कर रही है फजीला को, क्योंकि ये लतीफा अब दरक्षा का हो गया है। तो मैं फजीला तुम्हें देख सकता हूँ टीवी के आर पार, अगर तुम सुन रही हो तो लतीफे पे ध्यान देना, और अगर हंसी ना आए तो बता देना मैसेज करके। पप्पू कहता है अब्बू मैंने सुना है। पप्पू बोल दोबारा। पप्पू क्या मुझे पप्पू लगा? पप्पू कहता है अब्बू मैंने सुना है माँ बाप को देखने से सवाब मिलता है। तो तू किस पर हंस रही है, उनके माँ बाप पे या अपने? मेरे माँ बाप पे मत जाना, वो खुद आ जाते। अच्छा खैर पप्पू कहता है कि अब्बू मैंने सुना है माँ बाप को देखने से सवाब मिलता है। तो बाप कहता है कमीने जैसे तुम छुप छुप के देखते हो वैसे गुनाह मिलता है। यही था जिससे पप्पू ना खुद सो रहा है ना घर वालों को सोने दे रहा। पप्पू सो जाया कर, ये एक बहन की गुजारिश है पप्पू तू सोएगा तो और पप्पू होंगे, तो तेरा सोना जरूरी है पप्पू। योर स्टैंडर्ड यार क्या कमाल का लतीफा, कसम से आ जाता हूँ मैं किसी के लतीफे से। पप्पू जाग रहा है और गुना कमा रहा है पप्पू, रात में जागा मत करो। चल अब जाते आते इतना अच्छा लतीफा सुना, तोहफा तो होता है यार। देखो तोहफा मैं खाली हाथ जाने नहीं देता,
बना आपकी किरण कितनी बुराई करके गई हो, आप अच्छी लड़की है। भाभी ने बहुत आग लगाई है ये आपने। यार आपका भाई खुद बोल रहा कि आप बहुत तंग करती है, मदिया फिर भी ठीक है। तो तंग ना चाहिए तो मैंने बहुत है, क्योंकि मुझ पे बड़ी पाबंदियां लगाई हैं लोगों ने। लेकिन मदिया से ज्यादा रीच है तुम्हारी, मैंने देखा है इंस्टा पे। हैं वो एक्टिव, अभी तबीयत उसकी सही नहीं ना, एक्टिव नहीं। हां तुम तो माशाल्लाह फिटनेस जिम खोला हुआ है अपना, माशाल्लाह दोनों बहनों में कंपटीशन चल रहा है, इन लोगों ने तो हर चीज पे कंपटीशन शुरू कर दिया है। आपके लिए तोहफा आ रहा है। तो ये थी सारी पप्पू की बात है, पप्पू की बात है, पप्पू ही जाने। हम आपको तोहफा दे रहे हैं पप्पू की तरफ से, अच्छा सा तोहफा दिएगा। अपने शोर को देना, बोलना ठिया लगा है और जा मक्की बैठा दे मार 4:30 बोले पप्पू यार मुझे ऐसा तोहफा नहीं चाहिए। ये कैसा तोहफा है? ये आपके काम आएगा, चाले झाड़ने के और पूरी जिंदगी आपकी मासी से मैं ठेला लगाने के। आपसे ना करवा दूं? आप जरा एक घर का चक्कर लगा लीजिए, सफाई बहुत। मेरा चक्कर बहुत बड़ा होता है, मैं चक्कर लगाता हूँ, चक्कर खत्म नहीं होता। कोई बात नहीं, हुमैर आपको डील कर देंगे। हुमैर डील कर देगा, घर में हुमैर ही मिलता, तुम तो मिलती नहीं हो, वही डील करेगा। ये आपके लिए, ये आप लेके जाए, पप्पू को दे दिए। मैं आपको दूंगी, ये आपका गिफ्ट। देखिए बाजी, मैं आपकी बुराई नहीं की, मैंने जिसने बुराई की है ना उसको जाके झाड़े। भाभी आ रही हूँ मैं। भाई भी आपका, माद भाई आ रही, जाइए ये प्लेट ले जाए। थैंक यू, शुक्र है जान छोड़ी।